24 लाख बच्चों ने जो नीट की जो परीक्षा दी है उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ आज इस परीक्षा के द्वारा हुआ है उस पर एक जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। उस स्कैम के संदर्भ में आज सरकार से हमें कोई ठोस कदम नहीं सुनने को मिला है। अगर एग्जाम सेंटर्स को, कोचिंग सेंटर्स को कहीं से किसी सुराग से अगर क्वेश्चन पेपर मिला है तो इसमें जरूर कोई एनटीए का पदाधिकारी या अधिकारी इसमें शामिल है। प्रधानमंत्री कहाँ है? प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण में व्यस्त, प्रधानमंत्री विदेश दौरे में व्यस्त। ये परीक्षा हमारे भविष्य के डॉक्टरों को तैयार करता है। इस प्रकार से हम डॉक्टर तैयार कर रहे हैं। Newly elected member of Lok Sabha from Jorhat in Assam came down heavily on the NDA government over the National Eligibility Cum Entrance Test or NEET paper leak scandal. Gogoi was addressing the media at the All India Congress Committee headquarters in New Delhi, where he questioned the government's intention on conducting a free and fair inquiry over the matter. He also demanded a Supreme Court monitored investigation on the issue. Is pure mahatvapurna vishay par अब तक सरकार का जो रवैया रहा है उससे पूरे तरीके से कांग्रेस दुखी है और सरकार से आग्रह करती है कि वे अपने रवैये पर आत्ममंथन करें। अभी तक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में यही जताया है कि 1563 बच्चों का स्कोर कार्ड कल के एक मीटिंग में निर्णय लिया गया कि स्कोर कार्ड को रद्द किया जाएगा और अब इन बच्चों को ऑप्शन दिया जाएगा कि वो 23 जून को दोबारा परीक्षा दें। वे बच्चे जो परीक्षा दोबारा नहीं देना चाहते उनका जो ग्रेस मार्क्स दिया गया था वो ग्रेस मार्क हटाकर उनका जो स्कोर रहेगा वही स्कोर उनका फाइनल स्कोर, अंतिम स्कोर होने वाला है। और जो दोबारा 23 को जून को अपना परीक्षा देंगे उनको 30 जून तारीख को अपना परिणाम मिलेगा और फिर 6 जुलाई से काउंसलिंग की शुरुआत होगी। अब तक एनटीए के द्वारा सिर्फ इस ग्रेस मार्क के विषय पर ही हमने निर्णय सुना, लेकिन जो एक बड़ा स्कैम हुआ है उस स्कैम के संदर्भ में आज सरकार से हमें कोई ठोस कदम नहीं सुनने को मिला है। पिछले ही दिन देश के विभिन्न कोने में एनएसवाई जो हमारा छात्र संगठन है विरोध जताया, चाहे राजस्थान हो, हिमाचल प्रदेश हो, दिल्ली हो, असम हो, पूरे देश भर में हमारा छात्र संगठन एनएसवाई ने विरोध जताया और मकसद एक
कि 24 लाख बच्चों ने जो नीट की जो परीक्षा दी है उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ आज इस परीक्षा के द्वारा हुआ है उस पर एक जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। सीबीआई के इस जांच पर आज शिक्षा मंत्री प्रधान जी चुप, इस विषय को छू ही नहीं रहे, इस पे चर्चा करना चाहते ही नहीं, भाग रहे हैं। और जिस एजेंसी के नेतृत्व में यह पूरा स्कैंडल हुआ उसी को जांच करने की जिम्मेवारी दे दी, जिस एनटीए के नेतृत्व में यह पूरे का पूरा स्कैम हुआ, पेपर लीक हुआ, आप उसी को बोल रहे हो कि आप इंक्वायरी करें, तो यह किस प्रकार का ठोस कदम हुआ? निष्पक्ष जांच की हम अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? बच्चों का विश्वास हम कैसे जीत सकते हैं? ये बच्चे आज एक साल, दो साल, तीन साल अपने युवा वर्ग के वे कीमती समय दिन रात महीने पर महीने सिर्फ एक परीक्षा में अच्छे परिणाम लाने के लिए अपनी जो जिंदगी है जो उनके उसके लिए कितना बलिदान करते हैं आज उसका कोई महत्व नहीं केंद्र सरकार के लिए। एग्जाम सेंटर्स का जो एक नेक्सस बन चुका है, कोचिंग सेंटर्स एग्जाम सेंटर्स का जो एक नेक्सस है जो इसने पूरे आज हमारे मध्यम वर्ग गरीब वर्ग के परिवारों का घर अस्थिर कर दिया है, पैसे मांगकर कि आप पैसे दो पेपर लो, पैसे दो प्रश्न जानो, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, इस प्रकार का जो ये नेक्सस है क्या एनटीए इसकी जांच कर पाएगा? अगर एग्जाम सेंटर्स को, कोचिंग सेंटर्स को कहीं से किसी सुराग से अगर क्वेश्चन पेपर मिला है तो इसमें जरूर कोई एनटीए का पदाधिकारी या अधिकारी इसमें शामिल है, तो कहां से एनटीए निष्पक्ष जांच कर सकता है जब उन्हीं के अफसर या उनके ऑफिशियल्स इसमें शामिल हुए हैं? मैं तो धन्यवाद करता हूं राहुल गांधी जी का कि निर्वाचन के परिणाम के बाद जो सबसे पहला सार्वजनिक मुद्दा उन्होंने उठाया वो ये 24 लाख भारतीय युवा वर्ग के भविष्यों पर जो एक दाग लग चुका है ये मुद्दा उन्होंने पहले उठाया। प्रधानमंत्री कहां है? प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण में व्यस्त, प्रधानमंत्री विदेश दौरे में व्यस्त, वो तो एग्जाम पर तो काफी चर्चा करते थे, लोकसभा चुनाव से पहले वो तो परीक्षा को लेकर बहुत मार्गदर्शन देते थे बच्चों को, आज जो परीक्षा को लेके नीट की जो परीक्षा को लेके जो सबसे बड़ा स्कैम हुआ है आज परीक्षा पे चर्चा क्यों नहीं कर रहे प्रधानमंत्री मोदी जी? विदेश जाने का ऐसा क्या उनको इतना लगाव है? तो कांग्रेस पार्टी दोबारा ये मांग जताती है कि यहां पे एक इंक्वायरी हो, और अगर केंद्र सरकार सीबीआई इंक्वायरी नहीं चाहती, क्योंकि इनसे तो हमने 10 साल कितने सीबीआई इंक्वायरी मांगे
कभी भी इन्होंने हमारी बात सुनी नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक इन्वेस्टिगेशन हो। अलग अलग हमने रिकॉर्डिंग सुने हैं किस प्रकार से 30 लाख रुपए मांगा जा रहा है, एक ही सेंटर में से अलग अलग बच्चों को एक जैसे मार्क्स मिल रहे हैं, लगभग 67 स्टूडेंट्स को पहला रैंक मिला है, कोई 719, कोई 718, जो मार्क्स जो फॉर्मूला बनाया है एनटीए ने, ऐसे मार्क्स आ ही नहीं सकते, उसके बावजूद भी मार्क्स आए हैं, ग्रेस मार्क किसी को मिला है नहीं मिला है। ये परीक्षा हमारे भविष्य के डॉक्टरों को तैयार करता है, इस प्रकार से हम डॉक्टर तैयार कर रहे हैं। तो इसे पूरे के पूरे मामले में सरकार का रवैया कमजोर रहा है, सरकार भागना चाहती है, वे नहीं समझ रहे कि कितने आर्थिक संकट में भारत के लोग हैं, युवा वर्ग हैं, जिन्होंने कितने लाखों के पैसे खर्च किए हैं कोचिंग पर, हॉस्टल पर, ट्रेन के आने जाने पर। वे नहीं समझते कि कितना मानसिक संकट में हमारे बच्चे हैं जो आज अपने जीवन के हसीन पल को ठुकरा कर आत्महत्या तक लेने के लिए बेबस हो चुके हैं। हताशा है सारे तरफ, बेबसी है सारे तरफ, और प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ ग्रहण में व्यस्त, विदेश भ्रमण में व्यस्त। तो इसलिए हमें लगा कि देश को हम बताएं कि आपने हमें चुना है देश के मुद्दों को उठाने के लिए, आपने हमें चुना है लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए। विपक्ष का यही काम है कि जब जब सरकार अपने जिम्मेवारी से भागती है तो सरकार के कान को पकड़कर लोगों के प्रति संवेदनशील होना, लोगों के प्रति जिम्मेवार होना, ये उनका दायित्व है, कर्तव्य है, राजधर्म है। और अगर वे अपना राजधर्म भूल चुके हैं तो इस बार इंडिया गठबंधन के जो हमारे संख्या बल है, हम उनको भूलने नहीं देंगे। Don't forget to like, share and subscribe to East Mojo. For any queries, put them down in the comments section below and press on the bell icon for notifications.